ऐतिहासिक इमारतों का शहर शिमला। शहर के आसपास भी जब आप नज़र दौड़ाते हैं या अपने कदम बढ़ाते हैं तो वहां भी आपको एक समृद्ध इतिहास नज़र आता है। इस समय एबीपी लाइव की टीम की मौजूदगी राष्ट्रपति निवास में है और ये वही राष्ट्रपति निवास है जिसकी इमारत साल 1850 में बनकर तैयार हुई थी। और इस खूबसूरत राष्ट्रपति निवास का दीदार करने के लिए न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोग बल्कि जो अन्य राज्य के पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बात राष्ट्रपति निवास के इतिहास की नहीं बल्कि एक ऐसी घड़ी की जो चलती नहीं लेकिन फिर भी वक्त दिखाती है। करीब 150 साल पुरानी ये घड़ी है, इसे सूर्य घड़ी कहा जाता है या फिर आप इसे सन डायल भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक घड़ी जो चलती नहीं वो आखिर वक्त कैसे दिखाती होगी, तो इस पूरे मामले को हमारे साथ समझाने के लिए मौजूद है आकाश जी। आकाश जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थोड़ा सा समझाइए कि अब घड़ी में क्योंकि हमें नज़र आ रही है जो अमूमन हमारे घरों में घड़ी है वॉल में वॉचेज होती हैं वो चलती हैं, घड़ी जो सुई है टिक टिक करती है तब पता लगता है कि वक्त क्या हो गया, लेकिन ये एक बिल्कुल एक जगह स्टेबल है 150 साल से फिर भी वक्त बता रही है कैसे? देखिए इसमें जो ये लगा है ये इसकी पोजिशन है नॉर्थ फेस में, जो आर्थ की नॉर्थ पोजिशन है उसमें एग्जैक्ट फेस में फिक्स है ये। ठीक है जी, तो इसमें हमारा टाइम लिखा हुआ है सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक और इसमें इक्वेशन लिखी हुई है डायल टाइम प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस 21 मिनट्स इज इक्वल टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो डायल टाइम होता है हमारा जैसे यहाँ पे परछाई आ रही है 2:30 पे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मानो आप कि यहाँ परछाई आ रही है तो हमारा ये 2:30 हमारा डायल टाइम हो जाएगा। फिर इसमें आता है इक्वेशन ऑफ टाइम, तो इक्वेशन ऑफ टाइम हमारा यहाँ से निकाला जाएगा, एक ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ में इक्वेशन लिखी हुई है और मंथ्स लिखे हुए हैं दिसंबर से लेकर दिसंबर तक। तो आप जैसे हमारा जुलाई का महीना है तो जुलाई यहाँ पे आता है और जुलाई में हम इक्वेशन लाइन ऊपर आती है तो इसमें हम +6 कर देंगे, तो 2:30 में हम 6+ कर देंगे और उसमें 21 मिनट्स ऐड कर देंगे जिससे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एग्जैक्ट निकल जाता है। क्या कोई जानकारी है कि किस मेटल से ये बना हुआ है? ये ब्रास का बना हुआ है और काफ़ी पुराना है, लगभग 150 साल पुराना हो सकता है ये। और जो ब्रिटिशर्स और वॉइसरॉय यहाँ पे आया करते थे उन्होंने ही इसको लगवाया था यहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स ने इसको कॉम्पैक्ट साइज बना के यहाँ पे लगाया हुआ है। तो धूप भी सह लेता है, बारिश भी सह लेता है, बर्फ भी सह लेता है, इस तरीके का मेटल है इतने सालों से जो सारा। हाँ जी, ये सब कुछ सहन कर लेता है, इसकी एक बार साल में एक बार साफ सफाई हो जाती है, पॉलिश कर दी जाती है जिससे दोबारा ही चमक जाता है और इस पर इफेक्ट वेदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एग्जैक्ट इसी पोजीशन में पुराने टाइम से ये फिक्स लगा हुआ है यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम से। तो ब्रिटिशर्स से जुड़ी हुई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे थे कि इन दो पेड़ों के बारे में, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी दिखाएं कि ये जो दो पेड़ हैं इन पेड़ों की क्या खासियत है। आपने बताया कि 5 ही पेड़ हैं पूरे इलाके में, थोड़ा सा इन पेड़ों के बारे में भी बता दीजिए। देखिए इनका नाम कॉपर बीच है और एक लॉर्ड किचनर नाम के ब्रिटिश आर्मी के जनरल थे जिनको गार्डनिंग का बड़ा शौक होता था, तो उन्होंने इंग्लैंड से मंगाए थे ये पेड़ यहाँ पे। तो ऐसा बोला जाता है कि फिलहाल पूरे इंडिया में 5 ही पेड़ हैं, तो 3 यहाँ राष्ट्रपति निवास में लगे हैं, 1 वाइल्ड फ्लावर होटल में लगा है और 1 चैल पैलेस में लगा है। तो खासियत इनकी ये है कि हर 20 से 25 दिन में इसका कलर डार्क होता रहता है और जैसे हम इसको नीचे से बिल्कुल हरा दिखाई देता है और सामने इसके की वजह से इसमें पिगमेंटेशन होती है जिसके कारण ये डार्क कलर होता रहता है। जैसे सामने से हम देख रहे हैं पर्पल दिखाई दे रहा है और नीचे से हम देखेंगे तो हरा दिखाई देता है ये। प्रणब मुखर्जी की बात करें, रामनाथ कोविंद जी की बात करें या फिर हम मौजूदा राष्ट्रपति की भी बात करें तो इस गार्डन में घूमते हुए नजर आते हैं यहाँ पर, तो इस गार्डन की क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से फूल यहाँ पर लगे हुए हैं? यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं सीजन के हिसाब से फूल, तो जैसे आपको ये सामने मैरीगोल्ड दिख रहा है, गुलाब लगे हैं, गजानिया लगा है और अलग अलग वैरायटी के पिटूनिया लगे हैं, ये सब फूल यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। और यहाँ पे ट्यूलिप भी लगाए जाते हैं जो अप्रैल के महीने में लगाया जाता है यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चलता है वो फूल, अगर ज़्यादा धूप पड़ती है तो फूल बर्बाद भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है। ठीक है आकाश जी, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। तो ये राष्ट्रपति निवास है और राष्ट्रपति निवास में जो हर कदम है वहाँ पर इसी तरीके का इतिहास आपको नज़र आता है। हम चाहे इसकी खूबसूरती की बात कर ले या फिर समृद्ध इतिहास की, ये लोगों के लिए एक उत्साह का विषय है, लोग इसके बारे में जान भी सकते हैं। हाल ही में जो देश की मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा भी हुआ है और जो शिमला घूमने के लिए पर्यटक आते हैं वो रिज और माल रोड तक सीमित ना रहकर यहाँ राष्ट्रपति निवास का भी दीदार करें, अपने इस पुराने इतिहास को भी जानें, इसके लिए राष्ट्रपति निवास को आम लोगों के लिए भी खुला रखा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium. Oh, 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 oh